अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बंक एंड ब्लॉग। अगर आप कश्मीर से बाहर रहते हो तो मैं आपको बता दूं कि जो कश्मीर का विंटर है उसकी जो पहचान है बर्फ़ से होती है। और आज अक्टूबर 20 है, पहले इसकी पेशन गोई थी कि बर्फ़ होगी आज, और बर्फ़ स्टार्ट हो गई है। काफ़ी खूबसूरत लग रही है, आप मेरे पीछे देख सकते हो। मैं अभी रोड पर हूँ, रोड पर आया हूँ, बर्फ़ में बाहर आया हूँ मैं, तो थोड़ा मार्केट को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। मैं मार्केट की तरफ ही जाऊँगा। तो बर्फ़ स्टार्ट हो गई है, अभी लाइट ज़्यादा नहीं मिलेगी। बर्फ़ काफ़ी खूबसूरत लगती है यहाँ पे। और ये इस साल के विंटर की फ़र्स्ट स्नोफॉल है। मेरा थोड़ा फ़ोन भीग रहा है। तो ये है रोड हाईवे, अभी यहाँ पर गाड़ियाँ जो है बंद पड़ी है, क्योंकि बर्फ़ होने की वजह से जो रास्ता है वो ठीक नहीं रहता। और ये आप इसकी देख सकते हो, इसमें ज़्यादा साफ दिखाई नहीं देता, वरना बर्फ़ की खूबसूरती का एक अलग ही नज़ारा होता है। अभी मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, बाई रोड ही जा रहा हूँ, थोड़ा साइड से नहीं जाऊँगा क्योंकि गाड़ियाँ उतनी नहीं चल रही है। तो मैं आराम से रोड के बीच में से भी जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे। थोड़ा भीग सा जाऊँगा लेकिन मज़ा आएगा, क्योंकि पहली स्नोफॉल इस विंटर की, इसका अलग ही मज़ा रहता है। फिर बाद में मज़ा नहीं आता जब ये पूरी, मतलब वो पूरे वादी को ढक देती है, फिर सर्दी ज़्यादा होती है। अभी उतनी सर्दी नहीं है, अक्टूबर ही वैसे चल रहा है। पानी से बचने के लिए ये ऑटो वाले ने मेरे ऊपर पूरा पानी फेंक दिया था। अभी मैं जा रहा हूँ, मैं देखता हूँ कहाँ पहुँचता। मैं काजीगुंड के बस स्टैंड की तरफ बढ़ रहा हूँ, अभी मैं चल रहा हूँ, रोड पे ही हूँ। अभी छाता लेके निकला हूँ क्योंकि मैं भीग जाऊँगा, तो अभी बस स्टैंड तक मैं पहुँचा नहीं हूँ, बस मेरे सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। अभी ज़्यादा भीड़ भी नहीं होगी आज, क्योंकि बर्फ़ हो रही है, मौसम भी ख़राब है, तो इसकी वजह से ज़्यादा बाहर नहीं निकलते। पर नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं नहीं दिख रहा हूँ क्योंकि लाइट उतनी नहीं है। अभी मेरे को अब सर्दी फील हो रही है, जैसे जैसे मैं बाहर जा रहा हूँ, घर से बाहर निकला हूँ, अभी सर्दी फील हुई है। तो अभी मेरे जो हाथ है कांपने स्टार्ट हो गए हैं, तो अभी वीडियो भी उतनी सही नहीं आएगी मुझे लगता है, क्योंकि हाथ कांपना स्टार्ट कर दिए है। ये हमारा काजीगुंड मार्केट है, काफ़ी भीड़ रहती है यहाँ पर, लेकिन अभी जो मौसम थोड़ा ख़राब हुआ है उसकी वजह से भीड़ काफ़ी कम हो चुकी है। अभी यहाँ कोई नहीं है, ये हमारे रेडे वाले हैं अभी, लेकिन भीड़ बहुत कम। ये हमारा काजीगुंड बस स्टैंड, अभी बसेस नहीं लगी यहाँ पे, छोटी गाड़ियाँ चलती है ज़्यादा। पर अभी मौसम ख़राब होने की वजह से भीड़ भी नहीं है, जो मैंने पहले ही आपको बताया। लेकिन काफ़ी सर्दी बहुत बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा, मेरे हाथ अभी नम होने स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ टाइम में शायद ये फील ही ना हो, तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं खींचूँगा, मैं यहीं से वापस घर चला जाऊँगा। ओ, मेरा इरादा था कि मैं एक फुल वीडियो बनाऊँ, काफ़ी लंबी हो, लेकिन मेरे जो हाथ है वो काफ़ी सुन्न हो रहे हैं, कुछ टाइम बाद शायद ये मेरे को फील भी ना हो, क्योंकि बर्फ़ में या सर्दियों में यहाँ पे ऐसा होता है, अगर आप ज़्यादा सर्दियों में बाहर रहोगे तो हाथ फील होना बंद हो जाता है, बंद हो जाते हैं हाथ या कोई भी पैर का, जिस्म का कोई भी हिस्सा हो, पैर हो। मैं वैसे दिखाई नहीं दे रहा हूँ क्योंकि लाइट इतनी नहीं आ रही है पीछे से। बहुत ही पुख्ता इरादा लेके मैं बाहर निकला था, सोचा था बर्फ़ हो रही है, एक वीडियो अच्छी बनेगी, तो पहला बर्फ़ फर्स्ट स्नोफॉल इस विंटर का दिखाऊंगा मैं, पर सर्दी ने मेरे इरादों की नींव हिला के रख दी है। अभी मैं घर पहुँचा हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर अंदर गर्मी फील हो रही है, उसकी वजह से मेरे हाथ थोड़े से, मतलब फिर से क्या कह रहे हैं, मोमेंट में आ गए हैं, वरना ये फील ही नहीं हो रहे थे। लेकिन राइट हैंड जो है मेरा, ये ज़्यादा बाहर रहा, ये काफ़ी ठंड पड़ा हुआ था। तो मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, और हमें इंस्टा पर फॉलो करो। मैं आपसे, मतलब सर्दी की वजह से मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ, काफ़ी सर्दी है उसकी वजह से थोड़ा मेरा मुँह भी अटक रहा है। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।